हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के बारे में पढ़ा था। हमने न्यूक्लियर एनर्जी को समझा था कि व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूक्लियर एनर्जी एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड एंड हाउ इट इज एक्सट्रैक्टेड। उसे एक्सट्रैक्ट किस तरह से करना है, उसे यूज किस तरह से करना है, इस बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन हमने किया था। कुछ बेसिक रिएक्शंस देखे थे और उसके ऊपर ये कंक्लूजन निकाला था कि न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का फॉर्म है। बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है, जब हम इमेजिन करते हैं बड़ी चीज़ों को, ज़्यादा एनर्जी को, तब हम इमेजिन करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को। एक बेसिक सी चीज़ ये बनती है कि आज यूनिवर्स में हर जगह, यूनिवर्स और से अर्थ पे हर जगह एनर्जी क्राइसिस एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। एनर्जी क्राइसिस, दिस टर्म इज वेरी कॉमन। आप इसे हमेशा सुनते हैं, जनरली पेपर में आता है, न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी पे आता है और आप बुक्स में पढ़ते हैं कि एनर्जी क्राइसिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज एनर्जी क्राइसिस? एनर्जी क्राइसिस का मतलब है एनर्जी डिमांड इज मोर बट सप्लाई इज लेस। एनर्जी की डिमांड इस वक्त ज्यादा है और एनर्जी का सप्लाई बहुत ही कम है। जितना हम एनर्जी चाहते हैं उतनी एनर्जी हम निकाल नहीं पा रहे, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। आज आप देखते हैं हर चीज में ऑटोमेशन है। आप मोबाइल यूज करते हैं, टीवी, फ्रिज, ओवन, माइक्रोवेव, ऑल दीज थिंग्स, ये सभी क्या है? ये सभी इक्विपमेंट्स हैं जो एनर्जी के ऊपर चलते हैं। एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। हमारा मेन पर्पस अगेन वही है, इलेक्ट्रिसिटी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर लिविंग। हमारे लिए इस वक्त लिविंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज इलेक्ट्रिसिटी है। आप सोचिए, अगर एक दिन आपके घर में पंखा ना चले या टीवी ना चले या आप एक दिन मोबाइल ना चलाएं, इंटरनेट ना यूज करें, सो हाउ विल यू फील? आपको कैसा लगेगा? तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन चीज होती जा रही है, मॉडर्नाइजेशन होने की वजह से यह एनर्जी क्राइसिस बढ़ती जा रही है। यह कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। हम कहते हैं कि आज चीजें फास्ट हो गई हैं, ऑटोमेशन हो चुका है। आप एक जगह से दूसरी जगह मेल करना है, आपको कोई मैसेज पहुंचाना है, इंफॉर्मेशन चाहिए, हर चीज ऑन अ क्लिक आपके पास अवेलेबल है। लेकिन एक बार ये सोचिए, ये जो हमने टाइम कम किया, जो हमने टाइम लगने वाला समय की बचत की, यह बचत हमें एनर्जी क्राइसिस की जगह फुलफिल करनी पड़ रही है। देखिए, नेचर अपने आप में एक ट्रेड ऑफ कर लेता है। ट्रेड ऑफ मतलब बैलेंसिंग कर लेता है। बैलेंसिंग कैसे करता है? फॉर एग्जांपल, आपने ज्यादा समय, मतलब समय बचाने के लिए आपने क्या करा, आपने इक्विपमेंट्स बनाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं से आपने एनर्जी कम करी और फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया। जैसे कि आपने कोल जलाया, कोल जलाने से स्टीम प्रोड्यूस करी, स्टीम प्रोड्यूस करने से आपने टर्बाइन चलाया और फिर जनरेटर मूव करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई। बट यहाँ पे ट्रेड ऑफ कैसा हुआ कि कोल की मात्रा कम हो गई, कोल की एनर्जी कम हो गई और इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई। अल्टीमेटली वापस वही बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। क्यों मेंटेन हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो रही, खत्म हुई, फिर आपने वापस से कोल जलाया, तो धीरे 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 कोल की मात्रा कम होती जा रही है और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई उतनी की उतनी ही है। Why? Because day by day हमारी एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती ही जा रही हैं। ये रिक्वायरमेंट्स कभी भी कम नहीं हो रही। Now because of this requirements, या एनर्जी की जो डिमांड है, एनर्जी क्राइसिस है, इसे मीट करने के लिए हमने क्या करा, हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को निकाला, हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को ढूंढा, पता किया और फिर उसे किस तरह से यूज करना है, इस चीज को समझने की कोशिश करी और धीरे धीरे नए नए इनोवेशंस करे, इन्वेंशंस करे, डिस्कवरीज की। और फिर हमने ये देखा कि कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी ज्यादा बेटर है, कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी पुअरर है, किस में ज्यादा प्रॉब्लम है, किस में कम प्रॉब्लम है, इन सारी चीजों को पता करके और फाइनली कुछ कंक्लूजन्स निकाले। और कंक्लूजन के बेसिस पे ये देखा गया कि फ्यूचर में हमारा एनर्जी डिमांड फुलफिल करने के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा अवेलेबल होगी, सबसे ज्यादा हेल्प करेगी और साथ में सबसे कम पोल्यूशन क्रिएट करेगी।
हमने सबसे पहले जो ओल्ड टाइम में, जो एंशियंट टाइम से जो हम फ्यूल यूज करते हुए आ रहे हैं हमारी एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, दैट इज व्हाट दैट इज द फॉसिल फ्यूल। हमने फॉसिल फ्यूल्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और हमने कहा है फॉसिल फ्यूल्स मतलब जिनको मिलियंस ऑफ इयर्स लगे बनने में, कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, एंड ऑल दीज थ्री फॉसिल फ्यूल्स क्रिएट सम काइंड ऑफ पोल्यूशन। इससे कुछ ना कुछ तरह का पोल्यूशन क्रिएट होता है और पोल्यूशन क्रिएट होने की वजह से इस फॉसिल फ्यूल को यूजेज, इस फॉसिल फ्यूल का यूजेज हमने कोशिश करी कि धीरे धीरे इसको कम किया जाए। फॉसिल फ्यूल पहली चीज तो ये लिमिटेड है, दिस इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड देन दूसरी चीज दिस क्रिएट्स पोल्यूशन ऑल्सो, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है, लिमिटेड भी है, इसीलिए हमने कोशिश करी कि इसकी यूजेज हम कम से कम करें। देन इसके बाद हमने सोचा फिर ये नहीं तो क्या, सो वी थॉट फॉसिल फ्यूल के बाद लेट अस यूज सोलर एनर्जी। हमने सोचा सोलर एनर्जी को यूज करो, सन से एनर्जी लो, उससे यूज करो, उसे प्रॉपरली यूज करो। सन से एनर्जी लेके आप डिवाइसेस बनाओ, सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर सेल, और उससे फिर आप अपनी एनर्जी की डिमांड्स पूरी करो। बट फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि प्रॉब्लम इज कि आप सोलर एनर्जी को हर जगह पे यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स में तो सोलर एनर्जी भरपार है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन वहीं अगर हम जैसे जैसे कोल्ड कंट्रीज में जा रहे हैं, जैसे कनाडा चले गए या आप एंटार्क्टिका के रीजन्स में चले गए, तो यू वॉन्ट फाइंड सोलर एनर्जी देयर। तो इसीलिए सोलर एनर्जी भी पूरे वर्ल्ड की एनर्जी डिमांड को फुलफिल तो नहीं कर सकती। देन फिर हमने थर्ड कैटेगरी देखी थी, विंड एनर्जी। क्या विंड एनर्जी हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकती है? तो हमने कहा बिल्कुल, आप टर्बाइन लगाइए, टर्बाइन विंड मिल लगाइए, विंड मिल में टर्बाइन कनेक्ट कीजिए, उससे जनरेटर को मूव कीजिए और फिर इलेक्ट्रिसिटी बना लीजिए। तो हाँ ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं, बट अगेन प्रॉब्लम आई कि विंड एनर्जी हर जगह यूज नहीं हो सकती। पूरे वर्ल्ड में कुछ सिलेक्टेड प्लेसेस ही हैं जहाँ पे विंड एनर्जी को यूज किया जा सकता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं विंड एनर्जी के लिए जिनको नेचुरली, अब जो रिक्वायरमेंट्स हैं दे आर नेचुरल रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल कि विंडमिल को मूव करने के लिए 15 किलोमीटर पर आर की स्पीड मिनिमम चाहिए, विंड की स्पीड कम से कम 15 किलोमीटर पर आर होनी चाहिए, तभी आप विंड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज अ कंस्ट्रेन, ये एक नेचुरल कंस्ट्रेन है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप फूक मार मार के हवा की स्पीड बढ़ा दो, दिस इज नॉट द पॉसिबल, ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल, हिंस विंड एनर्जी हर जगह तो यूज नहीं हो सकती। देन फिर हमने कहा ओके, विंड एनर्जी भी नहीं तो फिर यूज करिए ओशन एनर्जी यूज करिए। तो अगेन प्रॉब्लम, ऐसी कंट्रीज जहां पे आसपास ओशन नहीं है, जहां पे वाटर बॉडी अवेलेबल ही नहीं है, वहां पे कैसे यूज कर सकते? देयर इज नॉट पॉसिबल टू यूज द ओशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल नेपाल, नेपाल जैसी कंट्री के चारों तरफ क्या है, चारों तरफ लैंड है। आप देखेंगे तो अगर मैप में देखेंगे तो एक तरफ चाइना आ जाता है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ बांग्लादेश, और इस तरह से वो रीजन बना हुआ है। तो वहाँ पे कोई ओशन एनर्जी आप यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे कोई सी ऐसा बड़ा अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे कोई ओशन अवेलेबल नहीं है जिसकी आप एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सके। तो इसीलिए इन सभी फॉर्म्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है नेचुरल कंस्ट्रेंट्स। कुछ नेचुरल कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि इन रीजन स्पेसिफिक हैं, तो वहां पे ये चीज का यूज करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए फिर ये सोचा गया कि ये नहीं तो क्या, अब इसके अलावा क्या बचता है? तो फिर इसके अलावा सोचा गया कि व्हाट इफ वी कैन यूज न्यूक्लियर एनर्जी। वॉट इफ वी कैन यूज न्यूक्लियर एनर्जी, क्यों ना हम न्यूक्लियर एनर्जी पे ही फोकस करें, क्यों ना हम न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करें। फिर न्यूक्लियर एनर्जी पे जब रिसर्च हुई, रिसर्च करी, कई सालों तक रिसर्च चली, 1930s 1940s के रीजन में ये डिस्कवर किया गया कि दिस न्यूक्लियर एनर्जी हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी
इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है एक एटम के न्यूक्लियस में, तो इसे ही एक्सट्रैक्ट करके हमारी एनर्जी डिमांड को फुलफिल करा जाना चाहिए। ठीक है, इसको यूज करते हैं। फिर यूज करने का तरीका देखा, तो यूज करते करते वी फाइंड कि दिस यूजिंग दिस एनर्जी, दिस न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट एन ईजी टास्क। आप घर पे यूरेनियम लाके उसको आग लगा के यूज नहीं कर सकते। आप घर पे यूरेनियम लाके उसमें ऐसा न्यूट्रॉन फेंक के उसको यूज नहीं कर सकते। इट्स अ साइंटिफिक टास्क टू एक्सट्रैक्ट दिस न्यूक्लियर एनर्जी। साइंटिस्ट लोग कर सकते हैं, इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए, इसके लिए बहुत ज्यादा कैश चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यूज करके ही आप न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर सकते हैं, बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी यूज करने के लिए आपको लेबोरेटरी चाहिए, आपको रिएक्टर चाहिए, आपको न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए। यह सभी बहुत ज्यादा कॉस्टली है, दैट्स वाई न्यूक्लियर एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। बट इसका एक फायदा यह है कि आप अगर इतना इन्वेस्टमेंट लगा भी रहे हैं, आप एक न्यूक्लियर प्लांट बना भी रहे हैं, तब भी आप इस न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत सारी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी से हमें मिल सकती है। थोड़ा सा यूरेनियम खरीद लीजिए और आप आराम से बहुत सारी न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे सभी कंट्रीज ने, जब पहले फॉसिल फ्यूल ही सबसे बड़ा एक उनका टास्क होता था कि फॉसिल फ्यूल ज्यादा हो उनके पास, हर कंट्री के पास, ताकि वो अपनी एनर्जी डिमांड को मीट कर सके, तो उस वजह से क्या होता था, उस वजह से वॉर होते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूएस अमेरिका, यूएस देन इराक वॉर के बारे में सुना होगा। तो क्यों हुआ था, दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑयल फील्ड्स, जो ऑयल के कुएं थे, तेल के कुएं विच आर अवेलेबल इन इराक एंड अदर कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, उस पे यूएस ने कोशिश की कि वो अपने कब्जे में ले ले, उन्हें रख ले। ओके, सो ये चीज करने के लिए यूएस ने अटैक किया, और अटैक करने से क्या हुआ, आज उस कंट्री की इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ऑलमोस्ट वहां सिविलाइजेशन इट्स ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन, खत्म होने की कगार पे खड़ी है। तो इस तरह की जो डिजास्टर जैसी चीज हुई, विच इज क्रिएटेड बाय मैनकाइंड, यह इस तरह के डिजास्टर से बचने के लिए क्या किया कि ठीक है, फॉसिल फ्यूल आप यूज कर रहे हैं। अब यूएस रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी डेली, वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 25% इलेक्ट्रिसिटी जो यूज होती है पूरे वर्ल्ड में, डेली की सिर्फ 25% इलेक्ट्रिसिटी अकेला यूएस यूज करता है। दिस इज ह्यूज अमाउंट। आप सोचिए, 200 कंट्रीज हैं, इतनी सारी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में से 25% एनर्जी तो अकेला यूएस ही यूज कर रहा है, मतलब सिर्फ 75% एनर्जी जो बचती है, दैट इज यूज बाय अदर 199 कंट्रीज। इट इज वेरी वेरी लेस, बहुत कम है 75% में इतनी सारी कंट्री एनर्जी यूज करे, और अकेला यूएस जो है वो 25% यूज करे, तो उनकी एनर्जी डिमांड ही बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए क्या हुआ, उनने फॉसिल फ्यूल जिस जिस कंट्री में अवेलेबल है उनकी कंट्री में धीरे धीरे खत्म होने लगा, तो जिस कंट्री में अवेलेबल है दे स्टार्टेड अटैकिंग, वहां पे उन्होंने अटैक करना शुरू किया और उनको कब्जे में लेना शुरू किया। अब धीरे धीरे उनको ये रियलाइज हुआ कि जिस कंट्री पे वो अटैक करके ये फ्यूल लेना चाह रहे हैं, उस कंट्री में भी एक समय पे फ्यूल खत्म हो जाएगा, प्लस दूसरी चीज, अगर वो अटैक करेंगे किसी कंट्री पे, सो दे मे र्यून देयर इंटरनेशनल रिलेशंस, वो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस खराब करेंगे दूसरी कंट्री से। आज के जमाने में क्या है, आज के जमाने में हर कंट्री चाहती है कि उनके ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज से दोस्ती हो, अच्छी दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, क्योंकि एक सिंगल कंट्री अपने आप में कभी सर्वाइव नहीं कर सकती। आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया में ऑयल जो आता है वो मिडिल ईस्ट से आता है, इंडिया में शुगर आती है पाकिस्तान से आती है, और कोई चीजें जो होती हैं वो दूसरी बाहर से आती हैं। तो जो बाहर से चीजें आ रही है, विच इज नोन एज ट्रेड, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए सर्वाइव करने के पर्पज से। फ्यूचर में अगर आप चाहें कि एक कंट्री सर्वाइव करे, सो यू नीड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। आप अपने बारे में सोचिए, अगर आप सबसे झगड़ा करके बैठ जाएंगे, अपने फ्रेंड से झगड़ लिए, आप मदर फादर से झगड़ लिए, आप शॉपकीपर से झगड़ लिए, हर किसी से झगड़ लिए, सो हाउ विल यू सर्वाइव। टीचर से झगड़ा कर लिया तो आपको मार्क्स नहीं देगा, शॉपकीपर से झगड़ा किया तो सामान नहीं देगा, मदर फादर से झगड़ा किया तो फीस नहीं भरेंगे, सो हाउ विल यू सर्वाइव। तो इसी तरह से हर कंट्री सर्वाइवल के लिए ये चीज करती है। तो यूएस को समझ में आया कि नहीं, ये चीज करना तो गलत है कि हम अटैक करेंगे, अटैक करने से हमारा प्रॉब्लम, हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो दे थॉट, व्हाई नॉट यूज सम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी में उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगी।
एंड व्हाई इट इज अट्रैक्टिव, बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरेनियम कैन क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो उन्हें समझ में आया कि अगर हम यूरेनियम का इस्तेमाल करें, सो यूरेनियम टन्स में अवेलेबल है, टन्स में अवेलेबल यूरेनियम से थोड़ा थोड़ा यूरेनियम निकालते जाते हैं, ढेर सारी एनर्जी बनाते जाते हैं और फाइनली उस ढेर सारी एनर्जी को किसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या किसी और पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसी चीज है जो अभी हर कंट्री के पास अभी तक अवेलेबल नहीं है, प्लस इसमें से अगर एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली जाए तो बहुत बड़ी एनर्जी निकल के आ सकती है। नाउ अब पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सो फॉसिल फ्यूल जलाने से ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस मतलब जो हीट को ट्रैप करती हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह की ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, सो इट इज क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग फॉसिल फ्यूल, तो इसलिए यूज करना पॉल्यूशन तो क्रिएट करता ही है। फिर हम बात करें सोलर एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी से एज सच कोई पॉल्यूशन नहीं होता, बट हाँ इसका अवेलेबिलिटी या इसका यूजेबिलिटी उतना नहीं है, इट इज रीजन स्पेसिफिक। देन हम बात करें विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी के लिए यू नीड एकर्स ऑफ लैंड, आपको बहुत बड़ी लैंड की जरूरत पड़ती है। अब हर कंट्री में इतनी लैंड तो अवेलेबल नहीं है, हर जगह की आप बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स यूज करके वहाँ पे विंड के पावर प्लांट लगा दें और विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। ऑल्सो इट इज रीजन स्पेसिफिक, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। तो इस तरह से ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है। देन ओशन एनर्जी, ओशन एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था, हाउ ओशन एनर्जी इज बेसिकली पॉल्यूशन क्रिएटिंग एनर्जी, इट इफेक्ट्स द मैराइन लाइफ, ये आसपास की सराउंडिंग की लाइफ को खराब करती है, ये पानी को उस तरह से मूव करती है कि जो मैराइन लाइफ है, जो फिशेज हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो वाटर में रहते हैं, दे गेट अफेक्टेड। तो इसीलिए इन सभी एनर्जी से कुछ ना कुछ पॉल्यूशन तो क्रिएट होता ही होता है। अब ये जो छोटा मोटा पॉल्यूशन इनसे क्रिएट हो रहा है, कुछ इसी तरह का पॉल्यूशन भी न्यूक्लियर एनर्जी से भी क्रिएट होता है। ऑल दो अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करें तो पॉल्यूशन में क्या क्रिएट होता है, पॉल्यूशन में वेस्ट क्रिएट होता है। न्यूक्लियर एनर्जी से क्या बचता है, हमने डिस्कस किया था, क्रिप्टॉन और बेरियम जैसे दो एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं और यह एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं जो कि क्रिएट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जो कि अल्फा बीटा और गामा रेस का एमिशन करते हैं। बट हाँ कोई बात नहीं, एमिशन करते हैं लेकिन थोड़े से यूरेनियम से बहुत ज्यादा एनर्जी बन रही है, तो थोड़े से यूरेनियम से वेस्ट भी तो थोड़ा सा ही बन रहा है, थोड़े से वेस्ट में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही है, सो इट इज एक्सेप्टेबल। सो साइंटिस्ट ने यह सोचा कि हम पूरी पूरी मेहनत करते हैं कि सोलर इस न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे भी करके एक्सट्रैक्ट किया जाए। उन्होंने ये सोचा कि जितनी मेहनत हम इन पे कर रहे हैं, इतनी मेहनत अगर हम इस एक अकेली एनर्जी पे कर लें, सो हमारी सारी सारी एनर्जी डिमांड्स फुलफिल हो सकती है। हेंस इसी रीजन से आज के समय में न्यूक्लियर एनर्जी इज द हॉटेस्ट टॉपिक, हॉटेस्ट टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी। कुछ कंट्रीज न्यूक्लियर एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज करती हैं, कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया क्या करती है, इंडिया बेसिकली कोशिश करती है कि न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए, हमारी कंट्री में जो प्रॉब्लम है, एनर्जी क्राइसिस है, उसे मीट किया जाए। और कुछ कंट्रीज इसे डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी यूज होती है, फॉर एग्जाम्पल सम नेबर्स ऑफ इंडिया, कुछ नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के आसपास में जहां पे ये एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के, हाइड्रोजन बॉम्ब इज अ डिस्ट्रक्टिव डिवाइस, हेंस न्यूक्लियर एनर्जी का इस तरह से उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी सबसे ज्यादा कौन कंट्री यूज करती है, सो फ्रांस यूजेस मैक्सिमम फ्रांस मीट्स
मैक्सिमम ऑफ इट्स एनर्जी डिमांड यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। नाउ फाइन, न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रेफर्ड एज ए इंस्ट्रूमेंट टू फुलफिल अवर एनर्जी डिमांड्स। उसका रीजन सबसे पहला तो ये है कि छोटे थोड़े कम फ्यूल में, बहुत कम वेटेज के फ्यूल में ज्यादा एनर्जी मिलती है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट आप देखें इसकी, तो हर कंट्री में भले ही यूरेनियम की सप्लाई नहीं, हर कंट्री में यूरेनियम नहीं मिलता, बट एक कंट्री जिसको अगर न्यूक्लियर एनर्जी यूज करनी है, सो दे कैन कंस्ट्रक्ट अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन देयर कंट्री एंड बाय फ्यूल। वह न्यूक्लियर फ्यूल व यूरेनियम को किसी दूसरी कंट्री से बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा इंडिया और यूएस के बीच में एक बहुत समय पहले एक लंबा डिस्कशन चल रहा था कि इंडिया वॉज बाइंग द न्यूक्लियर फ्यूल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। यूएसए वह न्यूक्लियर फ्यूल बाय कर रहे थे। वेन आवर पीएम विजिटेड यूएस, दे हैव अ डील, दे हैव साइंड अ डील जिसमें ऐसा लिखा था कि अमेरिका विल सप्लाई न्यूक्लियर फ्यूल टू इंडिया, बट वह डील पूरी नहीं हो पाई। सो वाई वी वर डूइंग दिस, बिकॉज हम न्यूक्लियर फ्यूल चाहते हैं, हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट अवेलेबल है, उसमें फ्यूल चाहिए और फ्यूल हम खरीद के उसमें डाल सकते हैं। नाउ सपोज ऐसी कोई कंट्री जहां पे न्यूक्लियर फ्यूल अवेलेबल ही नहीं है, अब न्यूक्लियर फ्यूल नहीं है तो क्या हुआ, दे कैन बाय फ्रॉम सम कंट्री एंड यूज दिस। सो इट मींस क्या फायदा है न्यूक्लियर एनर्जी का, दिस इज नॉट रीजन स्पेसिफिक, ये रीजन के स्पेसिफिक नहीं है, यह एक सस्ता और अच्छा विकल्प है हमारे पास एनर्जी के लिए। दिस इज अ गुड ऑप्शन, दिस इज अ इनएक्सपेंसिव ऑप्शन। Why I am talking as an inexpensive option? Because इन सभी में एनर्जी जो हमें मिलती है वह एनर्जी कम मिलती है compared to the investment, जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भले ही न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना पड़ता है, यूरेनियम का जो फ्यूल होता है इट कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बहुत महंगा फ्यूल होता है, बट हाँ उससे जो एनर्जी जनरेट होके आती है, उससे जो आउटपुट मिलता है, उस आउटपुट से अगर हम कंपेयर करें, सो इट्स एन इनएक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट्स वाई हम न्यूक्लियर एनर्जी को इस वक्त सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सारी सारी एनर्जी डिमांड न्यूक्लियर एनर्जी से फुलफिल हो जाए, और वर्ल्ड में हर कंट्री कोशिश कर रही है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करे, बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। We are trying to use nuclear energy as much as possible. जितना ज़्यादा use हो उतना हमारे लिए helpful है, क्योंकि इसका जो waste बचता है, भले ही waste जो radioactive है krypton और barium, we can dump it. उसको हम अच्छी तरह से dump कर सकते हैं ताकि वो waste कोई pollution create ना करे. So nuclear energy is considered as the hottest form of energy which is currently in use, which is currently in research, currently in talks. So this is what about the nuclear energy, and this is what about the other form of energy. So you can note this.